सुख और दुख में भेद नहीं करता। अर्थात प्रभु? नारद, इस संसार में सुखी कौन है? मैंने पहले ही कह दिया है स्वामी कि आपके श्रीमुख से रहस्यों के अर्थ सुनने का आनंद कुछ और ही है। महादेवी, इस संसार में सुखी एकमात्र वो है जो संभाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। संभाव? अर्थात परम भागवत भक्त नारद, महादेवी लक्ष्मी, संभाव का अर्थ है लाभ और अलाभ, सुख और दुख, जीवन और मरण, सम्मान और अपमान, प्रशंसा और निंदा जैसे पांच प्रमुख द्वंद्वों में एक समान द्वंद्वहीन रहने वाला प्राणी जो भक्त हमारी भक्ति में लीन है, वे सुख और दुख दोनों को ही हमारी भक्ति का प्रसाद समझकर संभाव से स्वीकार कर लेते हैं। नारायण नारायण। किंतु प्रभु। महादेवी, समय का चक्र समान गति से सदा आगे बढ़ता रहता है, उसकी गति में सुख और दुख का कोई मूल्य नहीं है। जो भक्त इस गति के समान दुख और संकट के काल को हमारी परीक्षा समझकर स्वीकार कर लेते हैं, वे निश्चित ही सुखी होते हैं। इसी प्रकार सुख और समृद्धि काल में जो भक्त हमारी कृपा का प्रसाद समझकर और अधिक श्रद्धावान, शांत और निश्चल हो जाता है, वही हमारा परम भक्त कहलाता है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, भक्ति के संभाव से आपके परम भक्त उत्तानपाद, सुनीति और ध्रुव का क्या संबंध? उनके दुखों का अंत ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात? अर्थात तुम्हारा प्रश्न कुछ और है और तुम कह कुछ और रहे हो। नारायण नारायण, मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। सुखिया माई के प्रश्न ने नारद के चित्त को अशांत कर दिया है। तुम्हारे अशांत चित्त को शांत करने के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि वर्तमान में उत्तानपाद, ध्रुव और सुनीति के जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे भविष्य में भागवत भक्ति के क्षेत्र में आदर्श स्थापित करेगी। प्राणी मात्र इन घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करेगा। देवर्षि। आज्ञा प्रभु। उत्तानपाद, ध्रुव और सुनीति के जीवन में घटित घटनाओं से आप भी प्रेरणा प्राप्त करें, अपने भावी जीवन में इनकी आदर्श स्थापना को एक क्षण के लिए भी ओझल न होने दे, इससे आपका भी कल्याण होगा। आज भी अपने सेवकों को सन्मुख न पाकर वे अत्यंत विचलित प्रतीत हो रहे हैं। 7:30 मूल बुद्धियों, तुम भला मुझसे कब तक छिप कर रह सकते हो? तुम दोनों मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। तुम अधिक समय तक मुझसे छिप कर नहीं रह सकते। मेरे क्रोध की क्रूर दृष्टि क्षण मात्र में तुम्हें खोज कर भस्म कर देगी।
शीघ्र मेरे सम्मुख उपस्थित हो। साढ़े साथी, तुमने हमारी आज्ञा की उपेक्षा कर अपने सर्वनाश को निश्चित कर लिया है। अब हमारा क्रोध तुम्हें सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। संसार के प्राणी हमारे ढाई और साढ़े साथी के चक्रों से सुरक्षित रह जाएंगे और इसका दोष तुम दोनों पर लगेगा। शनिदेव का क्रोध देखकर आज ऐसा प्रतीत होता है वे अपने दोनों चेलों का सर्वनाश कर देंगे। जगदीश्वर भगवान विष्णु इन्हें सद्बुद्धि दें कि ये शुभ कार्य शनिदेव शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न करें। क्या वास्तव में शनिदेव का क्रोध साढ़े साथियों ढैया का सर्वनाश कर देगा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका संदेह असत्य है मंगलदेव। अर्थात? अर्थात ढैया और साढ़े साथी शनिदेव के भीतर भरे द्वेष, अत्याचार, क्रूरता और दंड का प्रतीक है। इसी कारण शनिदेव की इच्छा होने पर भी उन दोनों का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्षमा देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं कि शनिदेव की इच्छा होने पर भी भैया और साढ़े साथी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा? जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्त, क्या तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं कि इस संसार में जगदीश्वर की इच्छा के बिना एक कण यहाँ से वहां नहीं होता? यदि ढैया और साढ़े साथी का सर्वनाश हो गया तो शनि देव की विध्वंसक शक्तियों को संचालित कौन करेगा? हमारी बार बार की पुकार की उपेक्षा कर तुम दोनों अपने मृत्यु को और भी अधिक भयानक बना रहे हो। सुना तुमने? सत्य तो यही है देवर्षि, जब दुष्ट शक्तियां पराजित होने लगती हैं, तब शुभ शक्तियों का आनंदित होना स्वाभाविक। नारायण नारायण। चंद्रदेव, ये स्वभाव शुभ शक्तियों का तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होने वाले चंद्रदेव दूसरों के दुख को देखकर आनंदित होने वाला शुभ, सात्विक और भक्त कैसे हो सकता है? अर्थात देवर्षि? अर्थात बुद्धदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव, क्या आप इस सत्य से अनभिज्ञ हैं कि जिस हृदय में संसार के कल्याण की भावना सदा प्रज्वलित रहती हो, जो मन दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी होकर सदैव सहायता के लिए तत्पर हो, वही सच्चा भक्त कहलाता है। अर्थात हमें इस समय शनिदेव की सहायता करनी होगी? मंगलदेव, यदि आप ऐसा कर सके तो आपका जीवन और भक्ति धन्य हो जाएंगे, किंतु आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। देवऋषि, यदि आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूं? अवश्य। देवऋषि, ऐसा कर पाना किसी के लिए भी असंभव है। आप स्वयं में संसार को न समेटें। नारायण नारायण। और उदाहरण के लिए सूर्य देव को ही देख लें। शनि देव की उद्विग्नता का आनंद मनाने वे और देवगुरु बृहस्पति यहां प्रकट नहीं हुए? देवऋषि, इस विषय पर हमें भी आश्चर्य है कि सदा अपने पुत्र से लांछित और प्रताड़ित होने वाले सूर्यदेव आज अपने दुष्ट पुत्र शनिदेव की तड़प और उद्विग्नता देखने यहाँ प्रकट क्यों नहीं हुए? हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखने वाला कोई भी पिता अपने पुत्र की दुर्दशा को देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। सूर्यदेव इस समय गगन भ्रमण करते हुए अवश्य ही दुखी हो रहे होंगे। ऐसे पुत्र के लिए दुखी होना अनुचित है देवऋषि, जो सदा संसार के सामने अपमान करता रहे। ग्रहों के युवराज बुद्धदेव, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक पिता ही दे सकता है। पुत्र माता पिता को बार बार धिक्कारता है, किंतु माता पिता पुत्र को प्रेम और स्नेह करना बंद नहीं कर देते।
क्षमा देवर्षि, क्या ऐसे प्रेम और स्नेह को संसार झूठा नहीं कहेगा? झूठा तो नहीं, किंतु मोह अवश्य कहेगा। मोह ममता हर जीव में समाये है। जीवों के दुखों का कारण यही मोह ममता ही तो है। क्या आप सबको ज्ञात है कि साधना के मार्ग में कामना ही सबसे बड़ी बाधा है? अर्थात साधक जितना कामनाओं से मुक्त होता जाएगा, उतना ही सिद्धि की सफलता की ओर बढ़ता जाएगा, और जितना अधिक कामनाओं में मोह माया में उलझता जाएगा, उतनी ही साधना लुप्त होती जाएगी। भैया साढ़े साथी, अब मैं तुम्हें पुकार नहीं सकता। अब मेरी विध्वंसक शक्ति मेरा आदेश पाकर तुम दोनों का अंत करने के लिए प्रस्थान करेगी। विध्वंसक शक्ति प्रकट हो। हमारे स्वामी शनिदेव के क्रोध से हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। इस समय इनके क्रोध को आपके अतिरिक्त कोई शांत नहीं कर सकता। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। भक्त शिरोमणि, आज हमारे शनिदेव की विध्वंसक शक्तियाँ हमारा सर्वनाश कर देगी। रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। ठहरो विध्वंसक शक्ति, हमारे क्रोध से भयभीत होकर दई और साढ़े साथी स्वयं यहाँ प्रकट हो गए हैं। क्षमा करें भाग्य विधाता शनिदेव, हमें क्षमा करें। नहीं, तुम्हारा अपराध क्षमा और दया के योग्य नहीं। तुमने भाग्य विधाता शनिदेव के आदेश और पुकार की उपेक्षा करके अपना अंत सुनिश्चित कर लिया है। नहीं नहीं भाग्य विधाता, हमारी मूढ़ बुद्धि और अज्ञान आपसे अज्ञात नहीं है। हमें क्षमा कर दे भाग्य विधाता, हमें क्षमा कर दे। नहीं, ना तो तुम मूढ़ बुद्धि हो और ना ही अज्ञानी। मैं तुम्हारे चतुराई से भली भांति परिचित हूँ। हम आपकी कृपा और शक्ति पाकर संसार को अपनी चतुराई से भटकाते अवश्य हैं प्रभु, परंतु आपके सन्मुख मेरी चतुराई शून्य से अधिक कुछ भी नहीं है प्रभु। भैया, हमें भटकाने और भ्रमित करने का तो साहस ना करो। हमें ज्ञात है कि तुमने सोचा होगा कि भाग्य विधाता शनिदेव का अस्तित्व विष्णु और उसके चाटुकारिता करने वाले ग्रहों के प्रहार से खंडित हो गया होगा। इसी कारण तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे थे। तुमने हमें निर्बल समझने की भयानक भूल की है ढैया, जिसका परिणाम है तुम दोनों का सर्वनाश। विध्वंसक शक्ति नारायण नारायण। तुमने यहाँ प्रकट होने का साहस कैसे किया? नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव के दर्शनों के लिए साहस की नहीं अपितु मन की भावना की आवश्यकता होती है। नारद, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। तुम कई अर्थों वाली भाषा बोलकर हर एक को भ्रमित करते हो।
नारायण नारायण। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव से इस संसार का कोई भी रहस्य अज्ञात नहीं है। यदि उनकी इच्छा हो तो अपनी दिव्य दृष्टि से नारद के मन की हर भावना क्षण मात्र में ज्ञात कर सकते हैं। भाग्य विधाता शनिदेव के दर्शनों की तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। नारायण नारायण। एक निवेदन भी तो करना है शनिदेव। तुमने हमारा मन प्रसन्न किया नारद, अति प्रसन्न। इसी कारण आज भाग्य विधाता शनिदेव तुम्हारा निवेदन अवश्य सुनेंगे। कहो, क्या निवेदन है तुम्हारा? कहो। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, धैया और साढ़े साथी आपके दाएं और बाएं हाथ के समान हैं। यदि आज आपकी विध्वंसक शक्ति इनका सर्वनाश कर देगी तो आप प्राणियों के भाग्य को संचालित कैसे करेंगे? नारद, भाग्य विधाता शनिदेव इन दुष्टों पर आश्रित नहीं है। वे अपने इच्छा मात्र से एक नहीं, ऐसे शत शत दैया और साढ़े साथी उत्पन्न कर सकते हैं। नारायण नारायण। जिसे पुनः उत्पन्न करना हो उसे नष्ट करने की ही क्या आवश्यकता शनिदेव? तुमने अपनी चतुराई प्रकट करनी प्रारंभ कर दी नारद। यदि तुम भाग्य विधाता शनिदेव का परिहास करने यहां पधारे हो तो हमारी कुदृष्टि और विध्वंसक शक्ति तुम्हें ऐसा भयानक दंड देगी कि तुम्हारा जगदीश्वर विष्णु तुम्हारी दुर्दशा देखकर भय से कांप उठेगा। कैसा दंड भाग्य विधाता शनिदेव? मेरी कुदृष्टि आज देवताओं के ऋषि नारद को विकलांग बना देगी। हरी 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 हरी। नारद, क्या तुम हमारे दंड से भयभीत नहीं हो जो तुम हमारी हंसी उड़ाने का दुस्साहस कर रहे हो? नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, आप मुझे विकलांग बना देंगे इसकी कल्पना करके ही मेरी हंसी बिना प्रयास ही छूट पड़ी। मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे लंगड़ा बनाएंगे या अंधा अथवा मेरे सभी अंग भंग कर देंगे। नारायण नारायण। क्या तुम देखने के इच्छुक हो नारद कि हम तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे? नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों से भला इस संसार में कौन परिचित नहीं है? शनिदेव सदा विनाश के विषय में न सोचकर निर्माण की भी सोचे, सदा क्रोध में रहकर सब कुछ नष्ट कर देने का विचार आपके मन को कभी शांति नहीं प्रदान कर सकता। भाग्य विधाता, धैया और साढ़े साथी आपके प्रमुख अनुचर और अभिन्न अंग हैं। आप इन्हें क्षमा कर दें, मैं आपसे यही निवेदन करने आया था। देवताओं के ऋषि नारद की शनिदेव से विनती करने का कारण क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आप स्वयं भी देवता हैं, आप भी पूजनीय हैं, किंतु आपका आचरण प्राय भ्रमित हो जाता है। अर्थात? शनिदेव, परम विष्णु भक्तनी महारानी सुनीति को सताने का आपका प्रयास विफल हुआ, जिसके रक्षक स्वयं जगदीश्वर भगवान विष्णु हो उसे भला कोई क्या हानि पहुंचा सकता है?